कहीं चले लात घुसे तो कहीं चले लाठी डंडे। किसी ने साइकिल उठाई तो किसी ने मुक्के से अपनी जान बचाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दिल्ली के जेएनयू में देर रात कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां बीती रात जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में खूब हंगामा काटा गया। लेफ्ट संगठनों का आरोप है कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ जमकर मारपीट की है। यही नहीं, उन्हें लाठी रॉड से पीटा भी गया। वहीं एबीवीपी ने लेफ्ट के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया। इस घटना के कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों गुट के छात्र एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। एक को तो कंधे पर साइकिल उठाकर मारते हुए देखा गया है, कुछ स्टूडेंट्स जख्मी भी हुए हैं। ये सब कुछ हुआ देर रात जेएनयू के कैंपस में। ये हर स्कूल का जनरल बॉडी मीटिंग चल रहा है पिछले दो हफ्ते से, तो कल आखिरी जीबीएम था जहां से उस स्कूल का यानी स्कूल ऑफ लैंग्वेज जिसका चुनाव आयोग इलेक्ट होना था, चुनाव आयोग इलेक्ट होना था, चार नाम इलेक्ट हुआ। उसके बाद लंबे समय तक एबीवीपी ने स्टेज पे चढ़ के पूरा प्रोसेस को हाईजैक कर रखा, बंद कर रखा। उसके बाद बहुत मुश्किल से फिर से जब शुरू हुआ, दो और लोग इलेक्ट होते हैं और उसके बाद सब लोग जब बाहर आ जाते, प्रक्रिया खत्म होता है, सब अपना स्लोगनरिंग कर रहे हैं। उसमें हमें पता चलता है कि दानिश जो जेएनयू से ज्वाइंट सेक्रेटरी है, उनको घेर लिया है और उनको निकलने नहीं दे रहे हैं। तो तब हम लोग बातचीत करने का कोशिश करते हैं कि कोई भी दिक्कत है तो आप उसको ग्रीवेंसेस में डालिए, आप ऐसे किसी को फिजिकली नहीं रिस्ट्रेन कर सकते। तो वो नहीं सुनते, उस बात पे फिर वो मारपीट पे उतारू हो जाता है। एक नाम लिया जाता है, कोई मुस्लिम नाम, एबीवीपी अपोज कर देता है, देखता भी नहीं है बंदा कौन है। महिला का नाम लिया जाता है, वो देखता भी नहीं कौन है, वो उसको अपोज करना है। किसी का नाम लिया जाता है तो पूछता है पूरा नाम बताओ, पूरा नाम से वो जात जानने का कोशिश कर रहा है और फिर वो तय कर रहा है कि उसको इसी में सपोर्ट करना है कि अपोज करना है। ये एबीवीपी लगातार हर जीबीएम में कर रहा है। दरअसल बीती रात जेएनयू के कैंपस के अंदर चुनाव की इलेक्शन कमेटी के मेंबर चुनने के लिए जनरल बॉडी मीटिंग चल रही थी। अचानक किसी बात पर कहासुनी हुई, कहासुनी इतनी बढ़ गई कि लेफ्ट और एबीवीपी के कार्यकर्ता आपस में लड़ाई और मारपीट करने लगे। दोनों ही पक्ष ने एक दूसरे पर मारपीट के आरोप भी लगाए। वहीं लेफ्ट विंग छात्र इस पूरे मामले को एबीवीपी छात्रों की गुंडागर्दी बता रहे हैं। वहीं एबीवीपी वालों ने भी यही आरोप लगाया है कि मारपीट लेफ्ट वालों की तरफ से शुरू की गई थी। यही नहीं, राइट विंग छात्र कैंपस में इसे नकली अटैक बोल रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उसमें लोग एक दूसरे को मारते पीटते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति छात्रों को छड़ी से पीट रहा है, वहीं दूसरे वीडियो में एक शख्स छात्रों पर साइकिल फेंकता नजर आ रहा है। घटना की कुछ और वीडियो में एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के व्यक्तियों से भिड़ते और पीटते हुए दिख रहे हैं, जबकि विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की। ये पहली बार नहीं है, जेएनयू बार बार जहाँ जहाँ इनका इनका जो लीड नहीं होता है, जब जहाँ जहाँ इनका जो रिगिंग प्रोसेस बाहर करते हैं, हाँ पता चलता है, वहाँ वहाँ ये वायलेंस करते हैं और वहाँ से वायलेंस करके ये प्रचारित करते हैं, दोनों स्टूडेंट्स को हमला करके पूरा रिगिंग प्रोसेस करना प्रयास करते हैं। लगभग 6 से ऊपर कॉमन स्टूडेंट्स और कार्यकर्ता घायल हुए हैं और रात में पुलिस कंप्लेंट भी किया गया है और अभी ट्रीटमेंट भी चल रहा है उनका। जी, पुलिस कंप्लेंट कर दी है, अभी एफआईआर में दर्ज हुआ है, एफआईआर में कन्वर्ट हुआ है, नहीं मुझे अपडेट नहीं है। कैंपस में छात्र संघ के चुनाव की तैयारी 4 साल बाद शुरू हो रही है। ऐसे में दोनों ही छात्र संघ के संघर्ष के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो पाई है, लेकिन शुरुआत से ही जिस तरह दोनों दल के छात्रों के बीच हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, इससे साफ है कि कैंपस में शांति भरे माहौल में चुनाव करवाना बेहद मुश्किल है। आयशा ने वाइस चांसलर से दखल की मांग भी की है। आयशा की मांग है कि जो स्टूडेंट्स मारपीट करते वीडियो में नजर आ रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विश्वविद्यालय के एक अधिकारी के मुताबिक कुछ छात्रों को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल
अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में आखिर इसकी जांच कहां तक पहुंचती है और इसकी सच्चाई आखिर क्या है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।